आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप घर पर अपना प्रोटीन शैम्पू बना सकते हैं। ये केमिकल फ्री शैम्पू आपके बालों को लॉन्ग, थिक और स्ट्रांग बनाएगा। किट से आप डिफरेंट किस्म के शैम्पू और कंडीशनर्स बाय करते हैं जिसमें बेशुमार केमिकल्स मौजूद होते हैं। रेगुलर बेसिस पे इनका इस्तेमाल आपके बालों को डैमेज कर देता है, बालों का टेक्सचर खराब हो जाता है। तो रेगुलर बेसिस पर इन केमिकल से भरपूर शैम्पूस का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप एक DIY हर्बल प्रोटीन शैम्पू का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शैम्पू विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स आपके बालों को लॉन्ग, हेल्दी और शाइनी बनाएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ निदा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यू आर नॉट सो लेट, सो प्लीज जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं DIY प्रोटीन शैम्पू जो बिल्कुल केमिकल फ्री है। इसका इस्तेमाल आपके बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाएगा। चलिए जल्दी से आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए है एक पैन, इसमें आप ऐड करेंगे 2 से 2.5 गिलास पानी। अब आपने बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में ऐड करने हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ रीठा पाउडर। नेक्स्ट आपने इसमें ऐड करना है शिकाकाई पाउडर। इसके बाद आप ऐड करेंगे आंवला पाउडर। अब हम लेंगे फ्लैक्सीड्स पाउडर यानी अलसी के बीजों का पाउडर। अगर आपके पास अलसी के बीज हैं तो इनको मिक्सी जार में ट्रांसफर करके अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे राइस पाउडर यानी चावल का पाउडर। चावल को लेकर मिक्सी जार में ट्रांसफर करें, अच्छे से फाइन पाउडर बनाएं। तो अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने पानी में ऐड कर लिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल बालों को लंबा और घना बनाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, डैंड्रफ और इची स्कैल्प की प्रॉब्लम को दूर करता है। केमिकल बेस्ड शैम्पू का डेली बेसिस पर इस्तेमाल आपकी स्काल्प पे नेचुरल मॉइस्चर को लूज कर देता है, स्काल्प को ड्राई कर देता है। लेकिन हमारे इस DIY प्रोटीन शैम्पू का इस्तेमाल हमारे स्काल्प के pH लेवल को बैलेंस रखता है। अब इस पैन को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे और तकरीबन 30 मिनट तक इसको पकाएंगे। अपने इसको तब तक पकाना है कि ये पानी 1 गिलास तक रह जाए। टाइम टू टाइम आपने इसको स्टर करते रहना है। मार्केट बेस्ड शैम्पू में बेशुमार केमिकल्स होते हैं और इनका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलता है। अगर आप वीक में 3 से 4 बार इन केमिकल बेस्ड शैम्पूस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल डेफिनेटली डैमेज हो जाएंगे, आपके बालों का टेक्सचर खराब हो जाएगा, बालों में ड्राइनेस आ जाएगी। तो जैसे कि मैं अपने चैनल पर अपनी फैमिली को हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि DIYs और मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स पे एक बैलेंस रखें, दोनों का इस्तेमाल करें लेकिन एक बैलेंस लेवल पर, ताकि जो केमिकल प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट्स हैं आप उनसे अवॉइड कर सकें। 30 मिनट्स तक अच्छे से पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत स्मूथ है। जैसे जैसे ये बॉयल हो रहा है इसमें झाग बनना स्टार्ट हो गई है। अब आपने फ्लेम बंद कर देना है और इसको स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद आप इसको कुछ टाइम के लिए ठंडा कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज्यादा झाग बने और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल शैम्पू की तरह हो तो आप इसमें कोई सा भी माइल्ड शैम्पू ऐड कर सकते हैं। माइल्ड शैम्पू मींस बेबी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई भी शैम्पू ऐड नहीं करना। वैसे तो इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो 1 to 2 टेबलस्पून ऐड कर लें। अच्छे से मिक्स कर लें और आपका बहुत ही जबरदस्त DIY प्रोटीन शैम्पू बनकर रेडी हो गया है। ट्रस्ट मी, ये प्रोटीन शैम्पू आपके बालों की गेम को बिल्कुल चेंज करने वाला है। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, रफ हैं तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और आपके बालों में एक शाइन लेकर आएगा, बालों को जड़ों से मजबूत करेगा और बालों के टूटने और झड़ने को रोकेगा। अच्छे से ठंडा करने के बाद आप इसको किसी ग्लास जार में ट्रांसफर कर लें। आप देख सकते हैं मैंने एक ग्लास जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे की जाए, इसकी एप्लीकेशन करने के लिए आप अपने बालों को हल्का सा वेट करेंगे और इसको लेकर अपने स्काल्प पर अच्छे से मसाज करेंगे। स्काल्प पर अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसको अपनी हेयर लेंथ पर भी अप्लाई करेंगे। और इसकी एप्लीकेशन करने के बाद आप 5 मिनट तक वेट करें और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इसके बाद आपने किसी भी कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना। इस शैम्पू का इस्तेमाल आपके बालों को डीप कंडीशन भी करेगा, आपके बालों को स्मूथ, शाइनी और हेल्दी बनाएगा। तो इस शैम्पू को आप 1 मंथ तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर आपने इसको स्टोर नहीं करना क्योंकि ये एक माइल्ड शैम्पू है। तो अगर आपने ऑयलिंग कर रखी है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, तब आप मार्केट वाले शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीक में आप 3 बार हेड वॉश करते हैं तो 2 बार इस शैम्पू का इस्तेमाल करें और 1 बार आप मार्केट वाले शैम्पू का इस्तेमाल करें। तब आप देख सकेंगे कि आपके बालों में कितना ह्यूज डिफरेंस आया है, आपके बाल कितने शाइनी हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं, बालों का टेक्सचर चेंज हो गया है, बालों की रीग्रोथ स्टार्ट हो गई है। टीनएजर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो वो लोग जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस DIY प्रोटीन शैम्पू का इस्तेमाल जरूर करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो आई रियली होप आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।